Hello friends, my name is Himanshu Kaushik and I am here on your YouTube channel Pariksha Guru. So, अब बात करते हैं. देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी चार पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कि पहले हम बात कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिनमें से आया करता है एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन. अब हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले बात की थी, उसमें से हमने नाउन की बात की कि नाउन इज जस्ट इक्वल टू नेम्स. वैसे ही हमने जो भी शब्द नाउन के स्थान पर आया करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जब भी कोई क्रिया हो रही हो, कोई काम हो रहा हो कहीं, तो वही हमारा कहलाता है क्या, वर्ब. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और विच नेम इज एडवर्ब. अब जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, तो ये हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दो शब्द ऐसे हुआ करते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किस किस को. तो जब हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया था, तो हमने बताया कि भाई एडजेक्टिव जो क्वालिफाई किया करता है वो एक तो किया करता है नाउन को और किया करता है प्रोनाउन को. लेकिन अब डेफिनेट सी बात एक हो जाती है कि जब एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली उस चीज को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. यानी कि एडवर्ब किस किस चीज को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा एक तो नाउन को, दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा प्रोनाउन को, और एक और चीज हुआ करती है जिसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता, एंड विच इज इंटरजेक्शन. अब अगर आप ध्यान दें तो किस किस चीज़ को क्वालिफाई नहीं करता, तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी टोटल तीन चीज़ों को क्वालिफाई नहीं किया करता है. और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनको क्वालिफाई करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जिसका नाम है क्या, एडजेक्टिव. यानी कि डेफिनेटली ये किस किस को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो नाउन को नहीं करेगा, प्रोनाउन को नहीं करेगा. लेकिन सर, ये आपके इंटरजेक्शन जो शब्द है उसको क्वालिफाई क्यों नहीं करता, तो उसको क्वालिफाई क्यों नहीं करता उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे. लेकिन जिनको क्वालिफाई करता है वो टोटल कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो अगर देखें हम शुरुआत से, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे थे कितने, आठ, और आठ में से ये कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो वन, टू एंड थ्री, यानी कि टोटल तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई नहीं कर रहा. यानी कि तीन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, यानी कितनों को क्वालिफाई करेगा, तो डेफिनेटली टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आठ, आठ में से तीन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो फिर क्वालिफाई करेगा कितने, टोटल पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच को. यानी कि ये विशेषता बता सकता है किसकी, वर्ब की विशेषता बता सकता है, ये कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है, प्रपोजिशन की विशेषता बता सकता है, और विशेषता बता सकता है एडजेक्टिव की, और खुद अपनी भी विशेषता बताया करता है और कहलाता है क्या, एडवर्ब. अब कैसे विशेषता बताता है, जरा ध्यान देंगे. सेंटेंस हमारे पास एक और हमने ऊपर लिखा हुआ है जिसको हम स्पीच कह रहे हैं, तो अगर हम इसी की इसकी बात करें, तो इसमें कौन कौन सा शब्द नाउन है, तो अगर डेफिनेट सी बात करें तो रोहित चूंकि एक व्यक्ति का नाम है तो वो आपका नाउन हो जाएगा. वैसे ही बॉय, बॉय एक किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा. और उसी प्रकार एक शब्द यहाँ पर आ रहा है आगरा, और आगरा भी किसी स्थान का नाम है, इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाया करता है. वैसे ही अगर बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर चूंकि राम, रोहित जो शब्द है उसके स्थान पर एक शब्द आया है जिसका नाम है क्या, ही. और रोहित एक नाउन था, तो उसके स्थान पर जो शब्द आया है वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा. उसके बाद अगर बात करें, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि वर्ब का काम जरूरी है, इसलिए ये जो शब्द इज है ये भी आपका वर्ब है, और उसी प्रकार यहाँ पर इज और गोइंग जो शब्द है वो दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे. लेकिन अब अगर बात कर रहे थे हम एडजेक्टिव की, तो ध्यान दें कि यहाँ पर एक शब्द है क्लेवर, और क्लेवर जो शब्द है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, तो वो क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, और बॉय जो शब्द हुआ करता है वो हुआ करता है क्या, नाउन. और नाउन को क्वालिफाई जो शब्द किया करता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या हो करता है वो शब्द, तो वो हुआ करता है एडजेक्टिव. यानी कि क्लेवर जो शब्द है वो आपका बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव. लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, तो आप देख पाएंगे कि रोहित इज अ वेरी गुड प्लेयर, यानी कि रोहित एक अच्छा लड़का है, यानी कि रोहित एक अच्छा लड़का है, सॉरी क्लेवर लड़का है, यानी चतुर लड़का है. लेकिन चतुर तो है, लेकिन वो कितना चतुर है, तो अगर हम कितने चतुर की बात करें, तो वहां पर जवाब देने के लिए हमारे पास एक शब्द है विच इज वेरी. यानी कि वेरी जो शब्द है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, क्लेवर को. और क्लेवर जो शब्द हुआ करता है वो अगर आप ध्यान दें, तो वो क्या हुआ करता है, तो वो हुआ करता है एडजेक्टिव. यानी कि क्लेवर जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और इसीलिए चूंकि ये शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम होगा किसका, एडवर्ब का. यानी कि यहां पर जो वेरी शब्द है वो काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का काम कर रहा है. एक और सेंटेंस लेकर के देखते हैं. जैसे हमने सेंटेंस लिया, और सेंटेंस है कुछ इस तरह से कि ही इज वर्किंग हार्ड. तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, यानी वह कार्य कर रहा है, और वह कार्य कर रहा है तो कैसा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो शब्द हार्ड आया ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्किंग को. और वर्किंग जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका, वर्ब का. और वर्ब को जो भी शब्द क्वालिफाई करेगा वो भी क्या कहलाएगा आपका, तो वो भी कहलाया करता है आपका एडवर्ब कहलाया करता है. यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें, तो वहाँ पर क्वालिफाई कर रहा था किसको, एडजेक्टिव को. लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एडवर्ब जो क्वालिफाई कर रहा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. यानी कि किस किस चीज़ को क्वालिफाई कर सकता है,
है, तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई इसी तरह से करेगा, प्रपोजिशन को भी, और खुद अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये बातें हम बताएंगे फर्दर लेक्चर्स में अपने, जब हम एडवर्ब एलिब्रेट करके बताएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, विच नेम इज कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो हमें अगर ये बात पता चल जाए कि वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, तो हम डायरेक्टली